सो मेरी आप सब संगतां दे पावन चरणों च बेनती है। कई जीवां दे मन विच सवाल हुंदा है कि नाम चलदा किवें है, सिमरन चलदा किवें है। हर चीज़ दे गुण हुंदे ने, सिमरन चलदा हिरदे दे विच है। सब तो वड्डी निशानी सिमरन, जिन्हों आपां सुरत कहने ना भी शब्द गुरु सुरत हुण चेला, शब्द गुरु है सुरती सेव चेला बनदी, शब्द गुरु सुरत हुण चेला। सब तो वड्डी निशानी सिमरन चलन दी ये है, जिदा आपां नॉर्मल बैठे हैं जां लत लत आसन ते बैठे हैं जां पद्म आसन ते, बाबा श्री चंद जी दा पद्म आसन है, अपाचन ते बैठे नॉर्मल छद चौंकड़े च बैठे हाँ, जां टोल आ के बैठे हाँ, जां सोफे ते किते बैठे हाँ। गल है सिमरन चलन दी, जो सिमरन चलदा जिवें आपां ध्यान धरिया, साडा फेस जिहड़ा नॉर्मल टिकिया थले है, इत्थे आपां समाधि लाई है, सिमरन कर रहे हैं। सिमरन करदियां 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 जिहड़ा चेहरा है उत्ते हो जांदा है। जो ये चीज़ थोड़ी इत्थे तक आ जाए फेस तां चले जांदा है, सारा जिहड़ा अंदरले चक्कर ने शरीर दे, छत चक्कर मन्ने जांदे ने, उस सत्तां चक्करां दा मैं जिक्र नहीं कर सकदा, पर मैं नापी तो हिरदे चक्कर तो कंठ तो आग्या चक्कर, आगे जिथे मनुख जुड़ा करता है उन्हें तुरियावस्था कहा जाता, उत्थे तुरियावस्था होंदी है। आग्या चक्कर दसवें द्वार नूं भी कहा जाता है, दसम द्वार है अगम पारा परम पुरख की खाटी, उपर हाट हाट पराला आले पीतर थाटी, मस्तक दोवां दे अखां दे विचाले वाला थां दसम द्वार मन्ना जाता, तीजा नेत्र मन्ना जाता। इंदू अगे जो है जुड़े वाला थां उन्हूं तुरियावस्था मन्ना जाता, उत्थे तक बहुत घट प्राणी पहुँचते हैं। तुरियावस्था च जाके सुरत जो चलती है, आप नॉर्मल बैठे सी, किसी का चेहरा थले सी, किसी का चेहरा इत्थे सी, पर तुसीं देखोगे जिन्ना मनुखां दा ध्यान टिकदा है, शब्द चलदा अंदर, सिमरन चलदा, सुरती चलदी, उन्हां दा फेस जो है चेहरा जो है वह नॉर्मल लोकां नालों जीवन नालों उपर हो जाएगा। सारे जिन्ने शरीर के चक्कर ने वो जागृत हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। हर मतलब इस चीज़ की परख घट लोगों को पता है, जो शरीर के चक्कर वो जग जाते हैं तो चेहरा उत्ते चले जाता है, फिर समझो विचार विकार फुरने मलीन तृष्णा वासना सब समाप्त हो जाती। जब तक चेहरा इतने नहीं जाता समझो ध्यान नहीं टिका, चेहरा इतने जाएगा ही जाएगा, अज नहीं तो कल। दूसरा, जो चेहरा इतने जाऊगा अखां दे विच्चों दोनों अखां चों जल पानी चलन लग जांदा है, जो पानी चलेगा मन की मैल धोपन लग जाती, मन पवित्र होने लग जाता है। इसे तरह संगत जी आप सब के चरणों में बेनती है, एक सुनिया सुनाइया गल्लां नहीं, पढ़ के सुनाइया गल्लां नहीं। तुसीं सारे रब नूं प्यार करने वाले हो, महापुरखां नूं प्यार करने वाले हो, गुरु की हजूरी च बैठे हैं, आप संगतां दे दास हैं, तुहाडे संगतां दे चरणां दी तूड़ा हैं। जिवें किसी जिमीदार ने वाही करनी होंदी, उहनूं तजर्बा हुंदा भी खेती च इस समय किहड़ा मौसम है, किहड़ा धरती ते बीज बीजांगे ते उगेगा। संगत जी जिंदगी विच जो मैं कमाया जीवन का अनुभव है वह आप संगत की झोली विच रोज़ पाईदा। सो मेरी उम्मीद है कि तुसीं इस तरह वाहेगुरु वाहेगुरु जपदे, परमात्मा दा मिठा मिठा नाम जपदे, उहदे मिठे मिठे गीत गाउंदे, उस ब्रह्म तक, उस ब्रह्म ज्ञान तक, उस परमात्मा तक पहुँचोगे। उम्र का कोई लिहाज नहीं हुंदा, चाहे कोई छोटा है कोई वड्डा है, कोई बजुर्ग है कोई स्त्री है कोई बच्ची है, इस चीज़ का परमात्मा नूं कोई लेना देना नहीं, जात धर्म नाल कोई लेना देना नहीं। उदे नाम ही धर्म है, नाम ही कर्म है, नाम ही सब कुछ है, नानक के कर केवल नाम, गुरुदेव कृपा करन आओ। नाम चलन की सब तो वड्डी निशानी है फेस, ये जिहड़ा इन्ना क चेहरा है ना साडा, संगत जी इन्ने क चेहरे च जिहड़े कि ब्रह्म है, ये तो चक्कर ने शरीर दे, जिहड़ा इन्ना क चेहरा है
ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚਿੰਮਣ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਤੇਜ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਔਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਚਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਏਗੀ ਦੂਜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਔਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਿੰਮਣ 'ਚ ਬੜਾ ਰਸ ਹੈ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿੰਮਣ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੜਾ ਰਸ ਅਤੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮਨ ਚੰਚਲ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰ ਧਿਆਨ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹਰ ਚਲ ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਾਰਗ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਨ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਪ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਓਹੰਗ ਜਪ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹੰਗ ਜਪ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਓਮ ਨਮਾ ਸ਼ਿਵਾਏ ਦਾ ਓਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋਗੇ ਸਰੀਰ ਕਲਪਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਲਪਿਤ ਕਲਪਨਾ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲੇਗੀ ਮਨੁੱਖਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਤੁਰੋ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਤੁਰੋ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਰੋ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਤੁਰੋ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਓ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਓ ਓਹੰਗ ਸੋਹੰਗ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਪੀਏ
Bye.
ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਨਾਮ Thank you.
सतनाम हम थोड़ा सा मां अपना श्वास अपने अंदर भर के श्वास में रोक के शब्द सुनने का जतन करो। तकलीफ हो गई श्वास फिर लैके श्वास रोक के शब्द सुनने का प्रयास करो। सुकोटन कोटान कोटान धन्यवाद है श्री अकाल पुरख वाहेगुरु जी का जिन्हां दी दया दृष्टि सदका अपना अज अते हुण वेले दा जाप संपूर्ण होए। बड़ी कृपा कीती सच्चे पातशाह ने सारियां संगतां ने बड़े प्यार नाल बड़ी भावना नाल बड़ी श्रद्धा नाल परमात्मा दा अनमोलक नाम जपिया सरवण कीता। शुक्र गुजार हाँ वाहेगुरु जी दे जिन्होंने अपने बच्चे बच्चियों के सिर पर हाथ रख के समर्था शक्ति वरत के सिमन करवाया। गुरदेव कृपा कर हर वो संगत हाजरी भर दिया ने इसी तरह आप संगत का प्यार गुरु घर ने बनया रहे इन को बेनती प्रवान करो। हाँ किसी के मन कोई क्वेश्चन होना हो कोई तराज वाली कोई शंगन वाली कोई शंके वाली गल नहीं संगत खुल के पूछ सकती है। गुरुदेव कृपा करना आओ अरदास हुक्मनामा चुन के गुरु दी खुशियां लैके जाना। और एक प्यार की गल वा पहला हर साल संगत नू जाप करा के आसन ते दर्शन देई दे मिलीदा तो कई मन च आता हूँ कि बाबा जी दर्शन दें दे, मिलते कोई नहीं। हुण शरीर बजुर्ग हो गया भाई है थोड़ा जहा पुराना हो गया सेवा बहुत की है भुखन भाने गड्डिया चले बजुर्ग हो गया वो इन्ना सहन नहीं करता। मैं अज इधर कुलदीप सिंह कह रहे बाबा जी संगत दर्शन दे के आया करो तुम बड़ी छेती आ जाते हो। मैं क्या भुख भी लगती है लंगर भी छकना होंगे कहते बंदे ना बनाया करो संगत में मिल के आओ। मैं क्या ठीक कल संगत में मिलेंगे। पिछे जे सिंघा ने भी बीबियां बेनती की कहते बाबा जी होर सब कुछ ठीक है जोड़ा आसन तो तुम्हें पैप जहा लाया ना ये ठीक नहीं है। मैं क्यों कहते कोई राह ही नहीं आता बचन कर ना फतेह बुला ना कोई सवाल जवाब कोई बंदा दुख सुख कर देख तो तुम इन्नी दूर बैठे होंगे साड़ी आवाज भी नहीं पहुँचती पैप दूर करो। मैं क्या भाई पैप भी चक देंगे पता शरीर तो ठीक कर लिए। इस करके सारी खेड है जिन प्रेम की हो तो नहीं पर सारी मतलब खेड जो है आप बैठे हैं सारे ये सारी कला प्यार दी है प्रेम दी नहीं ठंड च धुंद पीती है रात को आना कोई सौखा नहीं गा रोज़ आना। तेल बड़ा महंगा सरकार ने किया तेल फूक के आने सारे घर छड़ के आने इस करके सारी कला एक प्यार दी है। तो मेरी अरदास है वाहगुरु के चरणा जिन्हें आसावान लैके आँदे हो महाराज पूरी करे कल संगत दर्शन करांगे पैप का भी ध्यान रखांगे।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹਦੇ ਆ ਕੇ